चीनी सेना द्वारा कल किए गए घृणित कार्य के विरोध में आज जिला मुख्यालय पौड़ी में सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। सभी संगठनों ने एकजुट होकर आज जिला मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने गढ़वाल कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब चीन को भी इस घिनौनी हरकत के लिए सबक सिखाना चाहिए। जिस तरह चाइना के सैनिकों ने भारत के निहत्ते हमारे सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, हमारे 20 सैनिक मारे गए, हम चाहते हैं हिंदुस्तान को कि वे चाइना के ने हमारे अगर 20 लोगों को मारा है, हम कम से कम 20,000 लोगों को उनको मारना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और चाइना एक ऐसा देश है जिस जो पीछे से छुरी भोंकता है, और भारत के लोग इस बात को जानते हैं, और मैं भारत की आर्मी को सलाम करते हुए ये निवेदन करूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान को ठिकाने लगा है, वैसे चाइना को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि वे सब एकजुट होकर इस समय सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार जिस भी रूप में चाहे इनका इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बॉर्डर पर दो दो हाथ करने का मौका दिया जाए। निश्चित रूप से जो कल चाइना ने जो कृत्य किया है, इसके लिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे। पूरा हमारा देश एक है और हर अधिकारी कर्मचारी एकता कर्मचारी अधिकारी शिक्षक और आम नागरिक पूरा सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला खड़ा है। और निश्चित रूप से जिस तरह ये बात अनहोनी हुई रात में, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, एक समझौते के रूप में वहाँ पे गए थे, परंतु इस प्रकार निंदनीय कार्य जो चाइना ने किया, चाइना का एकदम चाहे पूरे भारत देश में इसका बहिष्कार होना चाहिए। यहाँ पे जो भी सामान आ रहा है, उन सामानों को हमारा चाहे व्यापारी बंधु से चाहे हम आम जनमानस से अनुरोध रहेगा कि ये सामान कोई न खरीदे। कि अब समय आ गया है कि हमें चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, जिससे चाइना की आर्थिक गतिविधियों की कमर तोड़ी जा सके और चाइना बूंद बूंद के लिए मोहताज हो। न्यूज़ स्टूडियो के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।